Welcome to ASEAN R. Please subscribe, like, share and follow. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आसियान और आप देख रहे हैं आसियान आर्ट। आज हम जेंट्स कमीज़ की ड्राफ्टिंग और कटिंग सीखेंगे। यहाँ पर हमने कमीज़ की जो लंबाई है वो हमने ली है 38 इंच, और इसी तरह से जो चौड़ाई है वो हमने ली है 12 इंच। यहाँ पर हमने हाफ इंच जो है वो ज़्यादा लिया है, इसी तरह से हमने लंबाई में भी 1 इंच जो है वो ज़्यादा लिया है। ये कपड़ा जो है फोल्ड में पड़ा है, तो जो चौड़ाई है वो है इसकी 24 इंच। अब यहाँ पे जो तीरा है वो है 18 इंच, तो इसमें हम 1 इंच जो है वो ऐड करेंगे, हाफ इंच एक साइड पे और हाफ इंच दूसरी साइड पे सिलाई में चला जाएगा, तो ये हो जाएगा 19 इंच। 19 को हम 2 पे डिवाइड करेंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 9.5 इंच। तो यहाँ पर हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे और लंबाई में हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब यहाँ पर भी हम 8 इंच पर निशान लगा लेंगे और इसको आपस में मिला लेंगे। अब इसके बाद हम हाले की कटिंग करेंगे, तो उसके लिए हम यहाँ पर बेंच जो है वो ले रहे हैं 17 नंबर। तो यहाँ पर हम 2.5 इंच पे चौड़ाई में निशान लगाएंगे, तो जो हाले की चौड़ाई है वो हम ले रहे हैं 2.5 इंच। और इसकी जो लंबाई है वो हम ले रहे हैं 2.75 इंच, यानी 2.75 इंच जो है हम इसकी लंबाई ले रहे हैं। अब इन दोनों निशानों को आपस में मिलाते हुए हम बॉक्स बना लेंगे। अब यहाँ पर हम जो है 1 इंच तिरछी लाइन लेके गले की गोलाई देंगे। अब यहाँ पर इस लाइन को हम बराबर कर लेंगे। अब यहाँ ऊपर की तरफ से हम जो है 2.5 इंच पर निशान लगाएंगे और इस निशान को हम जो हमने गले के लिए ड्राफ्टिंग की है उस कोने से मिला लेंगे। अब यहाँ पर हमने बाजू में गोलाई देने के लिए उसी तरह से 1 इंच जो है तिरछी लाइन लेंगे। अब यहाँ पे ये हमने 8 इंच लिया था, 2.5 इंच ऊपर चला गया। उसके बाद अब हमने इसका हाफ लेना है, तो यू इंची टेप को फोल्ड करके हमने यहाँ पे इसका सेंटर मालूम कर लिया है। अब यहाँ से हम गोलाई देंगे, जो हमने तिरछी लाइन ली है ये इसको क्रॉस करते हुए आनी चाहिए। ये हमारे पास बैक बाजू की जो है ड्राफ्टिंग है। अब इसी पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम इसके बाद जो फ्रंट का हिस्सा है इसको अलग करके इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास फ्रंट है। अब यहाँ पर हम फ्रंट के बाजू की ड्राफ्टिंग करेंगे, तो जो हमने मार्क किया था उससे 1 इंच जो है हम पीछे की तरफ लेंगे,
तो यहाँ पर हमने एक इंच पर निशान लगा लिया है। अब इस निशान को इसके साथ मिला लेंगे। और सेम उसी तरह से हम यहाँ पर भी एक इंच तिरछी लाइन लेंगे और इसके हाफ से हम इसको गोलाई दे देंगे। ये हमारे पास फ्रंट की ड्राफ्टिंग है। अब हम फ्रंट पे इसकी कटिंग कर लेंगे। अब हम हाले की कटिंग करेंगे, ये भी हमने फ्रंट में ही करना है। अब हम बैक में कटिंग करेंगे, तो यहाँ पर जो हमने 2.5 इंच लिया था उस पे निशान लगा लेंगे और इससे 1 इंच ऊपर की तरफ हम निशान लगा लेंगे। अब इस मार्क को बिल्कुल सीधा हमने यूं यहाँ पर एक लाइन लगा लेनी है। और इसकी कटिंग कर लेनी है। अब यहाँ पर हम काजपट्टी के लिए निशान लगाएंगे, तो हम 12, 13, 14 इंच जितनी आपने लंबी रखनी है उस हिसाब से निशान लगा लें। मैं यहाँ पर 12 इंच ले रही हूँ, तो हमने यहाँ पर मार्क कर लिया है और अब हम इसकी सीधी कटिंग कर लेंगे। अब यहाँ पर हमने पॉकेट के लिए मार्क करना है, तो यहाँ पर हम ऊपर से 4 इंच ले रहे हैं। इसके बाद जो है पॉकेट के लिए हमारे पास हमने यहाँ पे लिया है 7 इंच और उसके बाद हमने यहाँ पर भी 4 इंच लिया है। ये आप 3 इंच भी ले सकते हैं, 4 इंच भी, आप शर्ट के हिसाब से इसको 3 या 4 इंच ऊपर भी कर सकते हैं और नीचे की तरफ से भी, लेकिन पॉकेट जो है वो हमारे पास 7 इंच ही होगा। अब यहाँ पर हमने जो है गोल दामन बनाना है, तो उसके लिए हम पहले इसको बराबर कर लेंगे। इसके बाद हमने यहाँ पर जो है 3 इंच पर निशान लगाया है और इसी तरह चौड़ाई में भी हम 3 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब इन दोनों निशानों को यूं गोलाई देते हुए आपस में मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे।
ये हमारे पास कमीज़ की कटिंग जो है वो पूरी हो चुकी है। अब इसके बाद हमने आस्तीन और तीरे की ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है। अब हम आस्तीन की ड्राफ्टिंग और कटिंग करेंगे। उसके लिए हमने जो आस्तीन की लंबाई ली है वो है 22 इंच, और इसी तरह से जो चौड़ाई है वो है 10 इंच। 10 इंच में हमारे पास हर किस्म के स्लीव की ड्राफ्टिंग और कटिंग हो जाती है। ये कपड़ा फोल्ड में पड़ा है। यहाँ पर जो स्लीव की खुली साइड है यहाँ पर हमने 3 इंच पर निशान लगाया है। अब इस निशान को इस कोने के साथ मिला लेंगे। यहाँ पर जो तैयार आस्तीन है वो हमारे पास है 9 इंच, तो यहाँ पर हम 9 इंच पर निशान लगा लेंगे। अब हमने इस 9 इंच का हाफ लेना है, तो ये है हमारे पास 4.5 इंच, तो यू सेंटर में हम निशान लगा लेंगे। इसके बाद हमने दोबारा इसका हाफ लेना है, तो ये है हमारे पास 2.25 इंच, यू इंची टेप से हम यहाँ पर निशान लगा लेंगे। इसी तरह ऊपर भी हमने हाफ लेना है, तो ये है 2.25 इंच। अब ऊपर की तरफ हमने हाफ इंच जो है वो बाहर की तरफ निशान लगा लेना है, और यहाँ पर हाफ इंच अंदर की तरफ हमने निशान लगा लेना है। अब यहाँ से हम इसको गोलाई देते हुए इस निशान के साथ इसको मिला लेंगे। ये हमारे पास बैक बाजू की ड्राफ्टिंग है। इस निशान पे हम इसकी कटिंग कर लेंगे। अब जो हमने हाफ इंच पर निशान लगाया था इसको हम इस सेंटर से यूं क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ गोलाई देंगे। इसको इस सेंटर से हम यूं क्रॉस करते हुए अंदर की तरफ गोलाई देते हुए इस निशान के साथ मिला लेंगे। अब हमने इसके ऊपर इसकी कटिंग करनी है। ये हमारे पास फ्रंट बाजू की ड्राफ्टिंग और कटिंग है। यहाँ पर हम जो है 9 इंच कफ ले रहे हैं, तो यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगाएंगे। 5.5 इंच पर हमने निशान लगा लिया है। अब इस निशान को जो हमने यहाँ पर निशान लगाया है इन दोनों को आपस में मिला लेंगे। और यहाँ पर हम जो है 1 इंच जो है सिलाई का मार्जिन लेंगे। अब इसकी हम कटिंग कर लेंगे।
अब यहाँ पर हमने कप पट्टी जो है उसके लिए ड्राफ्टिंग करनी है, तो यहाँ स्लीव्स की हम जो है वो बैक साइड लेंगे और इसको यू फोल्ड करके हमने यहाँ से 1 इंच का फासला रखना है। यहाँ पर हम अंदर की तरफ निशान लगा लेंगे। इसकी कटिंग हमने स्लीव की बैक पे करनी है। अब जो है यहाँ पर हम 5.5 इंच पर निशान लगा के इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास स्लीव्स की बैक साइड है, बैक साइड पे हम इसकी कटिंग करेंगे। ये हमारे पास स्लीव्स की ड्राफ्टिंग और कटिंग जो है वो कंप्लीट हो चुकी है। अब इसके बाद जो है हमने तीरे की ड्राफ्टिंग और कटिंग करनी है। तीरा जो है वो हमने लिया है 9.5 इंच, यानी यहाँ पर हमने 9.5 इंच पर निशान लगा लिया है। इसी तरह ऊपर की तरफ भी हम 9.5 इंच पर निशान लगा लेंगे। ये हमारे पास तीरे की चौड़ाई है जो हमने ली है 9.5 इंच। अब इन दोनों निशानों को हम आपस में मिला लेंगे। इसकी लंबाई हमने लेनी है 5 इंच, तो यहाँ पर भी हम 5 इंच पर निशान लगा लेंगे। और जो एक्स्ट्रा कपड़ा है इसकी हम कटिंग कर लेंगे। इसकी जो चौड़ाई ली है वो हमने ली है 9.5 इंच और लंबाई जो है वो हमने ली है 5 इंच। अब यहाँ पर हम 3.25 इंच पर निशान लगाएंगे, यानी 3.25 इंच पर हम निशान लगाएंगे। और इसकी जो चौड़ाई हमने ली है वो है 2.5 इंच। 2.5 इंच पर यहाँ पर हमने निशान लगाया है। अब इन दोनों निशानों को हमने गोलाई देते हुए आपस में मिला लिया है। यहाँ पर हम 1 इंच जो है वो नीचे की तरफ लेंगे। अब इस निशान को इस गले के लिए जो हमने ड्राफ्टिंग की है इसके साथ मिला लेंगे। अब हम इसकी कटिंग कर लेंगे। यहाँ पर कटिंग करते वक्त हम हल्की सी गोलाई देंगे और जो हमने ड्राफ्टिंग की है इसके ऊपर हम इसकी कटिंग कर लेंगे। ये हमारे पास तीरे की कटिंग है। थैंक यू फॉर वॉचिंग। डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब, लाइक, शेयर एंड कमेंट डाउन।